हेलो दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन एक महा उपाय है जो रोज़ाना अपने घरों में या मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तभी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, रोग दूर नहीं होता, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता। तो आज से आपको हनुमान चालीसा के बाद भगवान की अष्ट सिद्धियों का नाम लेना है, फिर आप देखेंगी कैसे आपके शत्रुओं का नाश, रोगों से छुटकारा मिलता है आपको। दोस्तों, वो आठ सिद्धियाँ कैसे आई हैं वो जानते हैं। माता सीता ने महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्ध और नवनिधि की प्राप्ति का वरदान दिया था। श्री हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। कहते हैं जब कोई अपने कष्टों से मुक्ति की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाते हैं, वे माता सीता के आशीर्वाद से ही उनके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। जाने हनुमान जी की कौन कौन सी अष्ट सिद्धियाँ हैं। तो पहली वो अष्ट सिद्धि है अरिमा, दूसरा है महिमा, तीसरी है गरिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी है प्राप्ति और छठी है प्रकाम, सातवीं है ईशत्व और आठवीं है वशित्व। तो ये आठ सिद्धियां हैं हनुमान जी की। तो आपको कैसे इन सिद्धियों से उपाय करना है वो भी जान लें। सबसे पहले आप जिस तारीख से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं वो तारीख लिख लीजिए और उस तारीख से लेकर जिस तारीख को आपका 108 बार का पाठ पूरा हो जाए उस तारीख को आप 108 बत्ती बना लीजिए रुई की और उन बत्तियों को घी में डुबोकर हनुमान भगवान के सामने अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर दीपक जला दीजिए। इस उपाय को करने के बाद जिंदगी में आपकी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, ये पक्का है। जैसे ही आपकी 108 बार चालीसा का पाठ पूरा हो जाए वैसे ही करना है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत ढेर सारी परेशानियां हो जाती हैं कि भाई मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, शनि की ढैया चल रही है, दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो उस व्यक्ति को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक दिन में और सुबह से लेकर शाम तक उसका 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद 108 बत्ती बनाकर रुई की घी में डुबोकर उस घी का दीपक बना करके हनुमान भगवान के सामने जला देना है अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर। ऐसा करने के बाद फिर आप देखेंगी कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक बीमारी का इलाज है। तो बस ऐसे भगवान का नाम लेते रहिए और हमेशा खुश रहिए।